So, गुड इवनिंग एवरीवन अगेन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। सो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये इसका पैटर्न कैसा रहता है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन ये है क्या एक्चुअली। तो इसमें क्या है, पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ रहेगा। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब, जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज देयर वॉज ए थेफ्ट इन द नेबरहुड, सपोज एक स्टेटमेंट गिवन है कि देयर वॉज ए थेफ्ट इन द नेबरहुड, मतलब जो हमारा नेबरहुड है वहां पे चोरी हो गया। तो सपोज उसके अगेंस्ट में मैंने आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया, पहला कोर्स ऑफ एक्शन दिया कि पुलिस को बुलाना है इमीडिएटली। मैं फुल फुल फुल्ली नहीं लिख रहा हूँ, यू रिमेम्बर, ठीक है। सपोज पुलिस को कॉल करना है इमीडिएटली, पहला कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड सपोज मैंने बोला कि राइट अबाउट दिस ऑन इंस्टा, ऑन फेसबुक, सपोज सेकेंड चीज। और थर्ड चीज मैंने बोला थेफ्ट हो गया तो द पुलिस इज नॉट केयरफुल, पुलिस केयरफुल नहीं है, दे मस्ट बी सस्पेंडेड। इसका मीनिंग क्या है कि देखो, स्टेटमेंट मतलब हो गया कि एक चोरी हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन। इसमें क्या है, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए, फर्स्ट यू टेल मी। पुलिस को कॉल करना चाहिए इमीडिएटली, या फिर इसको फेसबुक में लिखना चाहिए, या फिर पुलिस केयरफुल नहीं है तो पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए, बताओ। और व्हाट अबाउट अदर्स। कोमल एंड प्रियंका, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जस्ट नॉर्मली बताओ क्या करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए, एग्जैक्टली। आप फर्स्टली तो आप फेसबुक में थोड़ी लिखोगे, ये तो बेकार चीज है ना, फेसबुक में लिख के क्या होगा, चोरी हो गया तो उससे थोड़ी पूछोगे, ये भी नहीं है। ये पुलिस इज नॉट केयरफुल बात सही है, पुलिस सपोज केयरफुल नहीं है, सपोज ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख देता हूँ, देयर वॉज ए थेफ्ट इन द नेबरहुड नियर द पुलिस स्टेशन, सपोज पुलिस स्टेशन के सामने ही चोरी हो गया, सपोज सपोज पुलिस स्टेशन के सामने ही चोरी हो गया, फिर भी ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा, पुलिस इज नॉट केयरफुल, ठीक है मान लिया, दे मस्ट बी सस्पेंडेड। पुलिस स्टेशन के सामने अगर चोरी हुआ तो आप पुलिस को सस्पेंड क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, नेवर एवर टेक वेरी सीरियस एक्शन, कभी भी हमको बहुत ज्यादा सीरियस एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सीरियस एक्शन कभी नहीं लेना है कि किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी का कैरियर खराब कर दिया, ये सब नहीं करना है, रिमेम्बर दिस। ये कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, कभी कभी यू विल थिंक कि हाँ ठीक है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि यू नीड टू टेक वेरी सीरियस एक्शन, लेकिन ज्यादातर केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कैसा है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ओके क्लियर है ना, ये सब समझ में आ गया, ये वाला एग्जांपल। यस, चलो मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, देन आई हैव सम क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर हो जाएगा। कल मे बी क्लास नहीं होगा, बट आई वांट टू टेक ए क्लास, लेकिन मेंस जो लोग दे रहे हैं उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लेट्स सी, ठीक है।
आई वॉन्ट टू टेक ए क्लास टूमोरो ऑल्सो, क्योंकि ये चीज अराउंड 5 से 6 क्लास चाहिए पूरा क्रिटिकल रीजनिंग खत्म करने के लिए. ओके, सेकेंड थिंग, सपोज एक स्टेटमेंट है, सपोज एक सीन हुआ, उस सीन में क्या हुआ कि द स्टूडेंट्स वेयर कॉट चीटिंग ड्यूरिंग मेंस एग्जाम. ठीक है, कोई किसी एग्जाम का मेंस होगा तो स्टूडेंट्स को पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, ये स्टेटमेंट है. मैंने आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया. कोर्स ऑफ एक्शन सपोज पहला वाला है, स्टूडेंट्स ड्यूरिंग मेंस एग्जाम नहीं, सपोज मेंस क्या, ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम लिख देता हूं, स्टूडेंट शुड बी वार्न, मतलब स्टूडेंट को वार्निंग देना चाहिए, एंड दे शुड बी मेड टू अपीयर द पेपर अगेन. मतलब स्टूडेंट को वार्निंग देना चाहिए और फिर से पेपर देने देना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन होगा, स्टूडेंट्स मस्ट बी सस्पेंडेड फॉर दिस क्राइम. थर्ड, द स्कूल मस्ट बी स्ट्रिक्ट इन द विजिलेंस. विजिलेंस मतलब जो स्कूल, जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी वगैरह. विजिलेंस मतलब क्या, किसी को नजर रख. ठीक है, इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिया ओनली वन. मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं फिर आंसर करना. ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, वन एंड टू, वन एंड थ्री. क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी ई है, क्या होगा? बोथ वन एंड थ्री ऑप्शन. वेरी गुड, आई थिंक आपको समझ में आ गया धीरे धीरे. ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा. ये इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, इट्स जस्ट आपका लॉजिकल थिंकिंग कितना अच्छा है उसका टेस्ट है बस. ठीक है, स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं करना है. सस्पेंड करने से क्या होगा, वो चीटिंग ही किया थोड़ी ना, कोई क्राइम कर दिया. ठीक है, वार्निंग दे सकते हैं, फिर से पेपर देने दो. फेयर फेयर अप्रोच में जाना है आपको. ठीक है, जो जो अप्रोच फेयर है आपको उसमें जाना है. दोनों तरफ से सोचना है. देखो, अभी हम लोग स्टेटमेंट स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं. मे बी टुमारो वी विल रीड स्टेटमेंट अजम्पशन. वो थोड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल है. ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा. तो जैसे कि स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन कंपेरेटिवली बहुत आसान है कोर्स ऑफ एक्शन, बट स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, वो सब थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल है. सो मैं आपको दो एडवाइस देता हूं. एक चीज क्या करना है आपको, हम कभी भी सीवियर रिजल्ट की तरफ नहीं जाना है. नेवर टेक सीवियर एक्शन, कभी भी नहीं. आपको लग सकता है कि सीवियर एक्शन होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन सीवियर अनलेस अंटिल एंड अनलेस कोई मर्डर कर दे, आपको सीवियर एक्शन नहीं लेना है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये है कि आपको कभी भी, आपको हमेशा एक फेयर अप्रोच रखना है. फेयर आपको दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा. जैसे ये वाला था, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, स्टूडेंट्स वेयर कॉट चीटिंग ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम. आपको दोनों तरफ से सोचना है. अगर स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया तो स्टूडेंट का लाइफ खराब हो जाएगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है, ये आपको कॉन्सिक्वेंस सोचना पड़ेगा. व्हाट एवर एक्शन यू सजेस्ट, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस भी सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. विल स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस. मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूं, आई डोंट वांट आप लोग बाद में कंफ्यूजन हो, फिर हम क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं. सपोज ये आपका घर है, सपोज. ठीक है, ये आपका घर है, ये आपके घर के बाहर इतना ज्यादा रेन हुआ, मतलब बहुत ज्यादा रेन हुआ, हैवी रेन, बहुत पूरा हैवी रेन हुआ. ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा नाला बन गया. नाला मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, पानी से ड्रेन से जो फ्लड हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू वेरी मच, बहुत ज्यादा हैवी रेन हुआ. स्टेटमेंट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट ये है कि बहुत ज्यादा हैवी रेन हुआ
और उससे क्या हुआ कि पूरा नाला भर गया। ठीक है, नाला इतना ज्यादा भर गया कि आपके घर के अंदर तक भी पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये स्टेटमेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन वन, आपको ये चीज ट्वीट करना चाहिए ट्विटर में, या फिर आपको इन्फॉर्म द प्रेस अबाउट इट, प्रेस बुलाना चाहिए कि प्रेस मतलब पता है ना, मीडिया मीडिया। थर्ड है इन्फॉर्म द कंसर्न अथॉरिटी नियर यू, आपके सामने जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, कोई भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कोई भी हो सकता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कोई हो सकता है, रास्ता में पानी हो गया तो रास्ता का प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, सपोज यू कंप्लेन टू द गवर्नमेंट अबाउट, क्या होगा इसका आंसर, आपको क्या करना चाहिए, मोस्ट सुइटेबल आंसर। मैं एक ही आंसर होगा इसमें, दो आंसर नहीं है, इसका ऑप्शन ही है, थ्री होगा। ठीक है, देखो गवर्नमेंट को कंप्लेन करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हो सकता है कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट को कंप्लेन करके कुछ हो सकता है, लेकिन आपको कोर्स ऑफ एक्शन वो वाला सजेस्ट करना है जो मोस्ट सुइटेबल है, वो वाला सजेस्ट करना है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल, अगर आपका ऐसा आ जाता है ना कभी, ये कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं आएगा, ये एजम्पशन में आएगा बाद में, लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि यू हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन। ठीक है, चलिए नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन, ये वाला देखिए, स्टेटमेंट पढ़ो, कोर्स ऑफ एक्शन देखो और आंसर बताओ, कौन सा एक्शन हमको लेना चाहिए बताओ। फर्स्ट यू आंसर, देन आई विल सी। आराम से टाइम ले लो, फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, आराम से टेक योर टाइम, बट फाइव क्वेश्चंस यू कैन मूव स्लो, नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस में थोड़ा आपको जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा था, स्टेटमेंट मतलब जो लेक्स, लेक से पानी जाता है ना, तो वो लेक का जो वाटर लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेसिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। ओके, एनी अदर आंसर, बोथ, either one. There has been a significant drop in the water level of all the lakes सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज बहुत सारा लेक है, सपोज ये ए लेक ए है, ये लेक बी है, ये लेक सी है, ये सब लेक से क्या होता है, वाटर जाता है, घर में पानी जाता है, तो उसमें क्या हुआ, उस घर में पानी जाने की वजह से ये लेक का जो वाटर लेवल है वो कम हो गया। नॉर्मल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझना डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम समझना डिफिकल्ट अगर होता है तब ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम समझना बहुत ईजी है, क्वेश्चन को समझो, देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि सिग्निफिकेंट वाटर लेवल का जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है, क्यों, क्योंकि लेक से घर में पानी जाता है तो उसके वजह से। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं, द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज ए पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन, मतलब वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज ए पार्शियल कट, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि टोटल कट कर दो सप्लाई, उन लोगों ने बोला है पार्शियल कट कर दो सप्लाई, हो सकता है कि वाटर लेवल मतलब वाटर सप्लाई जो अथॉरिटी है
उनको क्या सजेशन दे रहा है कि आप पार्शियल कट कर दो, मतलब थोड़ा सा सप्लाई कम कर दो, ठीक है भाई, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेसिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर, मतलब गवर्नमेंट को मास मीडिया मतलब टीवी वगैरह से लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप वाटर कम यूज करो, ये भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा पता है, ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि द वाटर सब, अगर आपने ये कर दिया, अगर आपने पार्शियल कट कर दिया तो फिर लोगों को सेव करने का क्या जरूरत है, तब तो हो काम हो रहा है ना। और अगर लोगों ने सेव करना चालू कर दिया, मतलब अगर गवर्नमेंट ने अपील कर दिया लोगों को कि आप लोग मिनिमल वाटर यूज करो, तो भी सेव हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई सेव ही हो जाएगा काम। हमारा काम क्या है, हमारा काम है जो वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है उसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो वो तो दोनों साथ में करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा हो भी सकता है कि दोनों साथ में करने से भी होगा, लेकिन एक करने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पार्शियल कट इन सप्लाई, अगर थोड़ा सप्लाई कम कर दिया तो सिचुएशन हैंडल हो जाएगा ना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर गवर्नमेंट अपील टू द, अगर गवर्नमेंट ने लोगों को ऐसा बोला कि आप पानी कम यूज करो, तब भी हो जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों होने से भी हो जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होने से भी हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका आइदर वन और टू। डिड यू गेट दिस प्रियाक्षी, अभिषेक और कोमल, आप लोगों को समझ में आ गया ना? कभी कभी आपको देखना है कि दोनों में से एक से भी अगर हो जाता है तो आइदर और हो जाएगा, दोनों में से एक से भी अगर हो जाता है तो आइदर और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखिए, लेवल क्रॉसिंग पता है ना आपको, लेवल क्रॉसिंग की हुआ, लेवल क्रॉसिंग कौन सा है, लेवल क्रॉसिंग मतलब जहां पे वो गेट मारा रहता है, जो ट्रेन ट्रेन आने से जो गेट मार देता है वो लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या करना चाहिए। सोच समझ के आंसर दो, व्हाट इज एनीवन एल्स, जस्ट आई वांट यू टू थिंक एन आंसर। किसी को आंसर, नो वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ओके, ऑप्शन सी आइदर वन और टू, ऑप्शन बी ओनली टू, वेरी गुड, इसका आंसर होगा ओनली टू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज मतलब जनरली क्या होता है, 20 लोग आर रन ओवर बाय ट्रेन्स एंड डाई एवरी डे व्हाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स थ्रू द रेलवे क्रॉसिंग, मतलब जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, सॉरी जो लेवल क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग से ट्रेन, जो लेवल क्रॉसिंग मतलब जहां पे आप क्रॉस कर सकते हैं, जो रोड जहां पे रेलवे ट्रैक रहता है, जो गेट मार देता है वो वाला, ठीक है, तो उससे जो लोग क्रॉस करते हैं उससे 20 लोग एवरेज में मरते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट बोला द रेलवे अथॉरिटी शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू क्लोज ऑल द लेवल क्रॉसिंग, ये क्यों होगा आंसर, लेवल क्रॉसिंग को क्लोज क्यों करना है, लेवल क्रॉसिंग अगर क्लोज कर दोगे तो ट्रेन कैसे जाएगा,
है कि नहीं, लेवल क्रॉसिंग को आप कैसे क्लोज कर सकते हो, वो तो क्रॉसिंग है ना। लेवल क्रॉसिंग अगर क्लोज कर दिया आपने तो ट्रेन छोड़ो उस रास्ते से लोग कैसे जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रियंका एंड अभिषेक कुजीब समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर आपने लेवल क्रॉसिंग को क्लोज कर दिया तो लोग कैसे जाएंगे उधर से, वो जो गाड़ी वाड़ी रुका रहता है वो सब कैसे जाएगा, ये तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। Those who are found crossing the tracks when the gates are closed should be fined heavily. ये हो सकता है। जो लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस करेंगे जब गेट बंद रहता है तब क्रॉस नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली तो यही हो रहा है ना, जब गेट बंद रहता है तब लोग क्रॉस कर देते हैं तो मर जाते हैं, तो ये नहीं करने से वो, अगर जो लोग क्रॉस करेंगे तो उनको फाइन कर दो हेवीली, ठीक है भाई, सही 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 सोल्यूशन है, वेरी करेक्ट। फर्स्ट वाला तो आप कर ही नहीं सकते, आप लेवल क्रॉसिंग बंद करने से तो गाड़ी वाड़ी नहीं जाएगा, ट्रेन नहीं जाएगा, वो तो सॉल्यूशन थोड़ी है, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ओनली टू, नेक्स्ट ये वाला ट्राई कीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था, ये वाला ट्राई कीजिए, तो मैं जस्ट 2 मिनट्स में आता हूँ, इसको आंसर दे देना। ठीक है, एनी अदर आंसर? सी क्या बोल रहे हैं, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चंस इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब कोई एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत था, गलती हो गया होगा, करेक्ट? क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? क्योंकि इंसान से गलती हो गया होगा, लोगों से गलती हो सकता है, ठीक है, लोगों से गलती हो सकता है, उसके लिए आप लोगों को सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर कभी भी किसी इंसान ने गलती से क्वेश्चन पेपर गलत प्रिंट कर दिया तो यू कैन नॉट सस्पेंड हिम। ये मैं बार बार आपको इनिशियली कितना बार मैंने बोला आपको कि डोंट टेक सीवियर एक्शन अंटिल एंड अनलेस जान पे बात नहीं आता है। अभी आंसर चेंज, डोंट चेंज योर आंसर, सुन लो यार, आंसर से मतलब नहीं है, समझ लो। आंसर तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, आंसर देखिए थोड़ी कुछ होगा, वो तो नॉर्मली जस्ट मैं ऐसे ही क्लास करके जस्ट समझ लो, देखो समझ लो, आंसर को वो मत करो।
कोई बात नहीं, अभी सीखना सीखना जरूरी है। इनिशियली फर्स्ट क्लास में सब आ गया तो फिर मेरा कोई जरूरत ही नहीं था ना। देखो फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फेल, क्यों फेल हुआ? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत प्रिंट हो गया था, मतलब ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर। उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑल द स्टूडेंट्स हुए फेल्ड इन द सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने फेल किया उनको फिर से एग्जाम देने दे दो। सप्लीमेंट्री मतलब बैक, सप्लीमेंट्री पता है ना आप लोगों को, कभी आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया है? बैक पेपर होता है जो, मतलब फेल होने से वापस होता है, ठीक है? तो ठीक है, जिन लोगों ने फेल हुआ उनको वापस दे दो एग्जाम लेने, फेयर, पूरा फेयर काम है, ठीक है? ऑब्वियसली ऑप्शन वन आराम से जा सकते हैं ना। जिन जो लोग फेल हो गए उनको फिर से पेपर लेने दे दो, करेक्ट। ऑप्शन टू में क्या लिखा है? ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर शुड बी सस्पेंडेड। नहीं, आप एक इंसान को उसके छोटे से गलती के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते। नो डाउट वो बड़ा गलती है, लेकिन ये सॉल्यूशन ले सकते हैं ना हम लोग, जिन लोगों को फेल कर दिया, जिन लोगों जो लोग फेल हो गए उनको फिर पेपर लेने दे दो, वो करने से हो गया। आप क्यों, आपको क्यों सस्पेंड करना है? लोगों को सस्पेंड नहीं करना है, ये ह्यूमन एरर है। उसने जानबूझ के थोड़ी वो क्वेश्चन गलत दे देगा, है ना? जानबूझ के कोई क्वेश्चन गलत देता है क्या बोलो तो? ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा लिख देता कि ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चन, अगर ऐसा स्टेटमेंट में ऐसा लिख देता कि उसने जानबूझ के ऐसा किया, तब आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। आप खुद से, आपको एज्यूम नहीं करना है कि उसने जानबूझ के किया। यहाँ पे बोला है कि फॉल्टी क्वेश्चन आया, मतलब उसका ह्यूमन एरर होगा, तो उसके लिए आप यू कैन नॉट सस्पेंड हिम। सस्पेंड करना एक सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ये है कि जिन लोगों ने पेपर ऐसा फेल हो गए को वापस पेपर लेने दे दिया जाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? कभी भी फॉल्ट के लिए, छोटा एरर के लिए सस्पेंशन कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता है। डोंट गो टू द एक्सट्रीम सॉल्यूशन, एक्सट्रीम में कभी नहीं जाना, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट 4-5 डेज क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, सो कभी भी आपको इधर भी नहीं जाना है ज्यादा और आपको इधर भी नहीं जाना है ज्यादा, आपको बीच में रहना है। जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो कभी भी एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर दिस, नो एक्सट्रीम सोल्यूशन, ठीक है? चल नेक्स्ट, ये वाला डिरेल्ड का मतलब होता है कि रेल ट्रैक, जो ट्रेन, एक ट्रेन को एक ट्रेल ट्रैक में जाना है ना, डिरेल्ड मतलब वो दूसरा ट्रैक में चला गया, ठीक है? अगर एक ट्रेन का कोच अगर दूसरा ट्रैक में चला जाएगा तो दोनों ब्लॉक हो जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन वन फॉलो, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? सोच के आंसर दो, सोच लो, सोच लो, क्वेश्चन को समझो। ट्रेन का जो डब्बा है वो अगर डिरेल हो जाता है तो दोनों ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? दोनों ब्लॉक होगा, ठीक है? सोच के आंसर दो। आई विल वेट, नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट। कोकिल प्रियंका कोमल, व्हाट आर योर आंसर्स? ऑप्शन सी, आइदर।
आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या प्रॉब्लम क्या है उसको देखो। प्रॉब्लम ये है कि 10 कोच, कोच मतलब समझ में आता है ना, ट्रेन का जो डब्बा होता है, ठीक है। तो 10 कोच एक पैसेंजर ट्रेन का डिरेल हो गया। डिरेल मतलब ये सपोज उस ट्रेन को इस ट्रैक में चलना था, वेरी गुड, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इस ट्रैक में सपोज उस ट्रेन को चलना था, बट क्या हुआ, वो इस ट्रैक में आ गया। डिरेल होना मतलब ट्रैक चेंज हो गया। वो जो डब्बा है उसको इस ट्रैक में रहना चाहिए था, बट इस ट्रैक में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। उससे क्या हुआ, दोनों ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि उसके लिए क्या करना चाहिए। पहला बोल रहा है कि द रेलवे अथॉरिटीज शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड इक्विपमेंट टू स्पॉट टू द स्पॉट टू क्लियर द रेलवे ट्रैक, करेक्ट। रेलवे अथॉरिटी को लोग भेजना चाहिए और सामान वगैरह लेके ये जो रोड, ये डब्बा जो इधर भी चला गया, जो इधर भी चला गया, उसको क्लियर करना चाहिए, मतलब सिचुएशन ठीक होना चाहिए। सेकेंड बोला, ऑल द ट्रेन्स रनिंग इन बोथ डायरेक्शंस शुड बी डाइवर्टेड टू अदर रूट्स। ऑब्वियसली अगर आपने ये सेकेंड सिचुएशन नहीं किया, सपोज लोग यहाँ पे आके ये सिचुएशन ठीक कर रहे हैं, सपोज इधर से दूसरा ट्रेन आ गया, तब आप क्या करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर दूसरा ट्रेन आ जाता है तो क्या करोगे, तो दोनों करना जरूरी है ना आपको। जो ऑल द ट्रेन्स रनिंग इन बोथ द डायरेक्शन शुड बी डाइवर्टेड टू अदर रूट, ये भी करना पड़ेगा। ये नहीं करने से कैसे होगा, ठीक है। अगर आप दूसरे ट्रेन को अगर आप डाइवर्ट नहीं करोगे तो वो ट्रेन आके तो इधर पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। ये वाला ट्रेन इस रूट में चल रहा था, हमारा जो ओरिजिनल ट्रेन है वो यहाँ पे आ गया, तो अभी आपको ये जो ये वाला ट्रैक में जो ट्रेन आना चाहिए था उसको आपको रूट चेंज करने बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो वो आएगा यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आपको ये चीज क्लियर भी करना पड़ेगा और दूसरा ट्रेन को ये भी बोलना पड़ेगा कि आप यहां से मतलब आप अपना ट्रैक चेंज कर, ठीक है। तो दोनों करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया ना। लॉजिकली आंसर दो, ये लॉजिकल रीजनिंग है, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आप जैसे सोचते हो आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट थिंक, सोचो कि क्या है क्या नहीं है। थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए इससे अच्छा चीज कुछ नहीं है, ठीक है। बेस्ट थिंग है ये क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। सो थोड़ा सा आप सोचो, दोनों चीजों को पढ़ो, उनको देखो कि दोनों जरूरी है कि नहीं, और अगर दोनों जरूरी नहीं है तो आइदर और आंसर दो, और अगर दोनों जरूरी है तो बोथ आंसर दो, ठीक है। अभिषेक, प्रियाक्षी, प्रियंका, सब मुझे भाई साहब तुम लोग समझ में आ गया ना आप लोगों को। क्लियर है ना, बोथ क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, ये होना चाहिए। लॉजिकली आंसर देना, आराम से सोचना, डोंट वरी, गलत हो रहा है गलत होगा, बहुत गलत होता है। जब मैंने भी ये पढ़ना स्टार्ट किया था, मेरा भी 10-20 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत होता था, ठीक है। सो डोंट वरी, ये धीरे धीरे इंप्रूव आएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, डोंट वरी। स्टेटमेंट बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली, मतलब ज्यादातर जो डेवलपमेंट प्लान्स होता है वो डेवलप्स इन पेपर, मतलब पेपर में ही रह जाता है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। तो बोलो क्या करना चाहिए, टेल मी, क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए, ओके। ऑप्शन ए, करेक्ट, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बोला, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली, मतलब ज्यादातर जो डेवलपमेंट प्लान्स है वो पेपर में ही रह जाता है। क्या करना चाहिए, द इंचार्ज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क। ऑब्वियसली जो फील्ड वर्क मतलब जो एग्जीक्यूशन वाला है, जो एग्जीक्यूशन होता है
वो जो जो भी इंचार्ज रहेगा उसको एग्जीक्यूशन अच्छे से करना चाहिए, उसको सुपरवाइज करना चाहिए ना फील्ड वर्क, तभी तभी एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तब सिर्फ पेपर में नहीं रहेगा, पेपर में मतलब सिर्फ प्लान बन के रह जाता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट, ये तो बेकार है, आप पेपर कम थोड़ी दोगे उस डिपार्टमेंट, ये तो इलॉजिकल बात है सेकेंड वाला, ठीक है। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट शॉर्ट, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है, आप थोड़ी उसको पेपर नहीं दोगे, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं सपोज आपको आपको एक बात बोलता हूँ, सपोज एक जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा अभी हमारे जो एज के लोग हैं, ठीक है, मैं हमारे बोल रहा हूँ बिकॉज मैं भी आपके एज का ही हूँ, थोड़ा 1-2 साल का ही डिफरेंस होगा मेरे और आपके बीच में। सो हमारा जो एज है, वी आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंस्टाग्राम, ठीक है, हम इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैंने ये सब लोग, इंस्टाग्राम सबसे बड़ा एडिक्शन है, सबसे बड़ा, आप जो भी देखे, आप एल्कोहल ले लो, स्मोकिंग ले लो, आप ड्रग्स ले लो, इन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा एडिक्शन वो इस टाइम पे वर्ल्ड में इंस्टाग्राम है मेरे हिसाब से, ठीक है। हम लोग इंस्टा जो लोग दोज हु आर एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम वो लोग पागल जैसा है, उनका लाइफ इंस्टाग्राम में ही चलता है, ऐसे भी लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल हुज लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इंस्टाग्राम, वो लोग दिन का एक स्टोरी, एक अपना मतलब वो रील वगैरह नहीं बनाने से उनका दिन नहीं होता, ठीक है, वो जो चीज खराब नहीं है, बट ज्यादातर एडिक्शन हर एक चीज में बहुत ज्यादा एडिक्शन इज ऑब्वियसली बैड। तो क्या है अभी इसमें सॉल्यूशन, क्या है, क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन ये नहीं है कि इंस्टाग्राम डिलीट करना चाहिए, ठीक है, ये बात है, ये आपको समझना होगा कि कोर्स ऑफ एक्शन में आपको समझना पड़ेगा कि फेयर क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि इंस्टाग्राम डिलीट करना चाहिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, और अगर आपको कोर्स ऑफ एक्शन में ये आता है कि जो आप जिस चीज से एडिक्शन है उसको आप डिलीट कर दो अपने फोन से, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आपको दूसरे चीजों में एंगेज हो जाना चाहिए, व्हेन यू एंगेज टू अदर थिंग्स, तब आपका जो वो है ना, तब आपका एडिक्शन थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होने लगेगा। सपोज यू प्ले गेम्स, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, या फिर मोबाइल गेम्स खेलो, जो भी खेलो, बट योर एडिक्शन शुड बी डाइवर्ट। तो वैसे सोचना पड़ता है इसमें, ठीक है, नॉट डोंट थिंक कि पूरा एक्सट्रीम में चला जाना है कि नहीं डिलीट कर दिया, उड़ा दिया, एकदम खत्म, ऐसा नहीं, ठीक है, आपको थोड़ा फेयर होके सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, बिकॉज दिस थिंग्स आर कॉमन, मतलब ये आप ये क्रिटिकल रीजनिंग से देखना, आपका थिंकिंग स्किल्स विल इम्प्रूव, बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आप लोग आंसर दीजिए, मैं जस्ट अपना चार्जर ले गया था। स्टेटमेंट टू सो चेयरमैन स्ट्रेस्ड द नीड, माने चेयरमैन ने कोई ऐसे जे एडुकेशन सिस्टम टू आरो बेसी फ्लेक्सिबल होबो लगे, जो एडुकेशन सिस्टम है और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, एंड रिग्रेटेड, और उसने ऐसा दुख किया, रिग्रेट करना मतलब उसने दुख किया कि दैट द करिकुलम हैज नॉट बीन रिवाइज इन कीपिंग विद द पेस ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस, माने चेयरमैन दुटा কথা কলে, হি এটা কথা কলে যে এডুকেশন সিস্টেম আৰু ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে, আৰু হি দুখ কৰিছে যে যোনটো কারিকুলাম আছিলে হেটো রিভাইজ মানে হেটো চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই, কিপিং উইথ দ্য পেস অফ দ্য চেঞ্জেস, মানে যেনেকে চেঞ্জ হৈ আছে বস্তুবোৰ সেই হিচাপে কারিকুলামটো চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই, দেট ইজ দ্য মিনিং। সো কি কৰিব লাগে, টেল মি হোৱাট উইল বি দ্য আনসার।
क्यों बोलोगे आंसर? क्या होगा आंसर? ओनली वन? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। देखो, चेयरमैन ने दो बात बोला, चेयरमैन ने दूटा कथा बेलेक के कोले, चेयरमैन ने दो बात बोला अलग से। उसने एक बात बोला कि स्ट्रेस द नीड फॉर मेकिंग एजुकेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल, एक बात बोला कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसने दुख किया, तो दो अलग अलग चीज है। उसने दुख किया कि करिकुलम रिवाइज नहीं हो रहा है, कीपिंग विद द पेस ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, करिकुलम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज पीरियोडिकली, करेक्ट, ऑब्वियसली, ठीक है, करिकुलम चेंज होना चाहिए। सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड मोर फ्लेक्सिबल, ये भी करना पड़ेगा। ये दो अलग अलग चीज है। एने को नाभावी बजे करिकुलम टू रिवाइज कर दिले एजुकेशन टू बेसि फ्लेक्सिबल हो जाए, बोलो करिकुलम इज ए डिफरेंट थिंग, सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्लेक्सिबल बनवा तो बेलेक् दूटा बेलेक् बेलेक् कथा। सो दूटा दूटाए कर, ठीक है, दोनों ही करना पड़ेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था। जो लोग ज्यादा सोचते हैं दे विल कंफ्यूज इट, ठीक है, और जो लोग नॉर्मल सोचते हैं दे विल गेट द राइट आंसर। तो यही प्रॉब्लम है इसमें कि एग्जैक्टली मैं पूछिसु, ठीक है सर। देखो, जो लोग व्हेन यू थिंक मोर देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू थिंक लेस देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इसमें क्या है, आपको जो एग्जैक्ट है वही आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा, योर थिंकिंग विल डेवलप। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, जो लोग ज्यादा इंटर रिलेट करके सोचते हैं ना, दे विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है। सेम प्रॉब्लम जब मैंने स्टार्ट किया था ये पढ़ना, सेम प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ था कि मैं भी ज्यादा सोचता था, आई यूज टू कनेक्ट, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं करना है। जितना लिखा है सिर्फ उतना ही आपको सोचना है, जितना लिखा है यू हैव टू थिंक दैट मच ओनली। तो यहाँ पे दो चीज में प्रॉब्लम है, एक तो एडुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है वो बोल रहा है, और बोल रहा है कि करिकुलम रिवाइज नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? दोनों ही करना चाहिए ना, क्योंकि उसको दोनों से ही प्रॉब्लम है। तो करिकुलम रिवाइज होना चाहिए और सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो दोनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया ना, ओके। नेक्स्ट वी हैव सम 3 to 4 क्वेश्चंस, आज इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, जितना भी ज्यादा लेट नहीं होगा। आई थिंक 1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन बाकी है, आराम से सोचो, डोंट मतलब वो ज्यादा हड़बड़ी मत मचाइए, आराम से सोचो, इसको आज खत्म कर देंगे। चलो बताओ इसका, ये देखो इसको थोड़ा सा एक सेकंड अलग कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए, प्लीथोड़ा मतलब, प्लीथोड़ा का मतलब है लॉट लॉट, ठीक है, ये जो वर्ड है ना प्लीथोड़ा, इसका मतलब है ए लॉट, for a lot of admission test, ठीक है। काफ ऑफ कंसिडर अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसा देना पड़ता है, ठीक है। काफ ऑफ एंड काफ ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एज एप्लीकेशन फी, मतलब उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, जितना मुझे पढ़ के लगा, ट्राई करो। ये यहाँ पे इसका टेम्पलेट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, मैं इसको आज टाइम नहीं मिला, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में चेंज कर दूंगा। ऑप्शन वन, ओनली 2 and 3। ऑप्शन वन मीन्स ऑप्शन वन को दस है, ए बी सी डी ई, ऑप्शन ई ओनली वन, ओके। Anyone else? Option C. Okay.
काउंटर प्रोडक्टिव माने उल्टा हुई আছে ঠিক আছে মানে যোনটো ফার্স্ট মে কিয়া বলা হয় না গ্রোথ অফ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন হায়ার এডুকেশন ইজ নট বেনিফিটিং দ্য স্টুডেন্টস মতলব যো হায়ার এডুকেশন হ্যাঁ মতলব কলেজ হো গিয়া পোস্ট গ্রাজুয়েট হো গিয়া वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस है ठीक है उसके वजह से स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ देन यू ट्राई टू आंसर अगेन ठीक है अगर इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर यू कैन चेंज योर आंसर देखो क्या बोला है कि ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो हायर एजुकेशन मतलब जो कॉलेज डिग्री हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने से इज नॉट बेनिफिटिंग द स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं हो रहा है इनफैक्ट इट इज बीइंग काउंटर प्रोडक्टिव उल्टा हो रहा है ठीक है द स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर फॉर अ लॉट ऑफ एडमिशन टेस्ट्स स्टूडेंट को बहुत ज्यादा एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है एंड कफ अप कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एज एप्लीकेशन फीस तो बहुत ज्यादा एडमिशन टेस्ट भी देना पड़ता है और स्टूडेंट को उसके ऊपर से पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है इसके लिए क्या कर सकते हैं फर्स्ट बोल रहे थे गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ कॉमन टेस्ट एंड ए वन टाइम फी फॉर एडमिशन टू ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस एब्सोल्युटली करेक्ट सही बात बोल रहा है ना अगर गवर्नमेंट एक ही टेस्ट लेके आ जाता है कि गवर्नमेंट अगर ऐसा बोल देता है कि सारा प्राइवेट कॉलेजेस में एक ही टेस्ट होगा ठीक है और एक ही बार फी देना होगा तो वो स्टूडेंट्स का प्रेशर कम हो जाएगा ना सही तो बोल रहे हैं आप लोगों ने वन क्यों आंसर मिस कर दिया यार वन को कैसे आप लोगों ने क्रॉस कर दिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है द गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ कॉमन टेस्ट एक कॉमन टेस्ट आना चाहिए और एक वन टाइम फी होना चाहिए जिस सारा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सेकंड थिंग स्टूडेंट शुड बॉयकॉट द एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय प्राइवेट कॉलेजेस नहीं बॉयकॉट वगैरह में कभी नहीं जाना है सोल्यूशन नो कभी भी नेवर गो फॉर एक्सट्रीम सोल्यूशन ठीक है स्टूडेंट्स बॉयकॉट थोड़ी करेंगे स्टूडेंट अगर बॉयकॉट कर देगा तो उनको खुद ही एडमिशन नहीं मिलेगा ना ये तो नहीं हो सकता है थर्ड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड मेक देयर एडमिशन टेस्ट सिंपलर सो दैट स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इजीली ऐसा थोड़ी होगा अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने अपने एडमिशन टेस्ट को इजी बना दिया तो जो जिसका पास बहुत ज्यादा पैसा होगा वो तो ऐसे ही घुस जाएगा ना उसके पास पैसा है टेस्ट भी इजी है वो पैसा डाल के ऐसे भी घुस जाएगा तो मेरिट वाले स्टूडेंट्स को कहां से चांस मिलेगा ये भी तो सोचना होगा ना आपको प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने सपोज टेस्ट इजी बना दिया तो वो तो प्राइवेट एडुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए लॉस हो जाएगा ना तब तो कोई भी घुस जाएगा तो उनका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा ना आर यू गेटिंग माय पॉइंट तीनों में से सिर्फ ऑप्शन वन करेक्ट था ई इज द राइट आंसर इज इट क्लियर समझ में आया ना आपको ठीक है यू हैव टू थिंक फ्रॉम बोथ द साइड्स दोनों साइड से सोचो सिर्फ स्टूडेंट के साइड से मत नहीं सोचना वो कॉलेज के साइड से भी सोचना है ना प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर उसने अपना टेस्ट सिंपल बना दिया तो कोई भी घुस जाएगा भाई जिसके पास पैसा है प्राइवेट में देने का वही घुस जाएगा तो जिसके पास मेरिट और पैसा दोनों है उसको तो चांस ही नहीं मिलेगा है ना जिस सपोज एक लड़के के पास मेरिट ज्यादा है लेकिन थोड़ा पैसा कम है तो उसको चांस ही नहीं मिलेगा ठीक है तो इससे अच्छा क्या है गवर्नमेंट को एक ही टेस्ट लेना चाहिए जो कि बोल रहे थे कि बार बार टेस्ट लेता है उसके जगह पे एक ही टेस्ट ले लो और एप्लीकेशन फी सिर्फ वन टाइम फी कर दो तो वो तो बेस्ट सोल्यूशन है ना ये वाला सॉल्यूशन ये इट डजंट मेक सेंस थर्ड वाला में सेंस नहीं है कि प्राइवेट अगर कोई कॉलेज अपना टेस्ट इजी कर देने से लोग इजीली अंदर आ जाएंगे दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन वो कभी भी नहीं होता ठीक है सो थिंक वाइजली और सेकंड वाला तो बॉयकॉट वाला तो ऑब्वियसली बेकार है ठीक है बाकी लोगों को समझ में आ गया ना एवरीवन एक्सेप्ट प्रियाक्षी अदर्स इज इट क्लियर प्रियंका वेरी नाइस योर आंसर वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट Is it clear? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को Yes. Okay. Very nice. Next. अभी जो लास्ट का थ्री क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ये थोड़ा बैंकिंग का टाइप का क्वेश्चन है मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूंगा स्टेटमेंट में आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा यू ट्राई टू आंसर ठीक है अगर नहीं होता है तो आप नो प्रॉब्लम बट यू स्टिल ट्राई देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है द प्रॉब्लम ऑफ इम्पेयर्ड क्रेडिट इम्पेयर्ड क्रेडिट मतलब जो लोन देते हैं और जो लोन वापस नहीं आता है कभी बैंक में बैंक किसी को अगर लोन देगा तो वो लोन जो वापस नहीं आता है दैट इज इम्पेयर्ड क्रेडिट तो उसका एक प्रॉब्लम हैज वर्सेंड ओवर द लास्ट टू ईयर्स विद द एनपीए एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब सपोज बैंक ने किसी को लोन दिया वो लोन वापस नहीं आया दैट इज द मीनिंग ऑफ ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट
with the NPE of all the public sector banks touching 4.5% of their total advances. मतलब बैंक ने जितना लोन दिया उसका 4.5% लोन्स वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, विच इज ए कॉज ऑफ वरी फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द डिपॉजिटर्स. गवर्नमेंट के लिए क्यों चिंता का बात है, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक है तो गवर्नमेंट का स्टेक होगा वहां पे. तो अगर बैंक कोई लोन दे रहा है और वो वापस नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक है ना बैंक में. कैन एनीवन टेल डिपॉजिटर्स को क्यों प्रॉब्लम होगा, जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं उनको क्यों प्रॉब्लम होगा? एनीवन हु हैज सम नॉलेज, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, बट थिंक क्यों डिपॉजिटर्स को क्यों प्रॉब्लम होगा बताओ. डिपॉजिटर्स को इसीलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि देखो ये बैंक है, बैंक पब्लिक को लोन देगा और पब्लिक से क्या लेगा, डिपॉजिट लेगा. पब्लिक से क्या लेगा, डिपॉजिट लेता है ना पब्लिक से, पता है ना आपको, सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट हम लोग खोलते हैं ना बैंक में, वो डिपॉजिट ही होता है. और पब्लिक को बैंक लोन भी देगा, तो अगर लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा है बैंक में तो डिपॉजिटर्स को पैसा कैसे देगा? डिपॉजिटर्स जो पैसा डाल रहे हैं बैंक में उसमें डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट मिलता है ना, तो अगर लोन का पैसा नहीं आ रहा है तो डिपॉजिटर्स को कैसे देगा? तो ये एक प्रॉब्लम है. आप मुझे अभी बताइए कि क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बताइए, ट्राई करो आराम से, क्या होगा सॉल्यूशन बताओ. प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोन घूम के वापस नहीं आ रहा है, मतलब जो लोन दिया जा रहा है उसमें वो पैसा वापस नहीं आ रहा है बैंक, तो उसका क्या कर सकते हैं बताओ. ब्रांच मैनेजर शुड बी एडवाइज्ड टू बी मोर एग्रेसिव इन डिसबर्सिंग एडवांसेस. डिसबर्सिंग मतलब पैसा देना, डिसबर्स करना मतलब पैसा देना. तो ये थोड़ी होगा कि ब्रांच मैनेजर को बोलो, आप जाके ब्रांच मैनेजर को ये बोलो कि आप और भी ज्यादा लोन दो, ये थोड़ी करना है. लोन वापस नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो ब्रांच मैनेजर थोड़ी और भी ज्यादा लोन देगा, ये तो नहीं होगा. सैंक्शनिंग अथॉरिटी मतलब जो लोन सैंक्शन करेगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ द लोन शुड बी विजिलेंट इन स्क्रूटिनाइजिंग द एप्लीकेशंस. मतलब जो लोन एप्लीकेशन आएगा उसको अच्छे से देखना चाहिए. एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सैंक्शन ऑफ द लोन. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि लोन देने से पहले जो लोन सैंक्शन करता है उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए कि ये इसका लोन हिस्ट्री कैसा है, इसने पहले रिपेमेंट किया कि नहीं, ये कितना पैसा कमाता है साल का, वो सब देखना चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट, आप जितने अच्छे से देखोगे उतना ही चांस कम होगा ना लोन वापस नहीं आने का. द ब्रांच मैनेजर शुड बी एडवाइज्ड टू कॉन्स्टेंटली फॉलो अप विद द डिफॉल्टर्स. डिफॉल्टर्स मतलब जो लोग लोन वापस नहीं करते उनके बारे में बोल रहे हैं. ब्रांच मैनेजर शुड बी एडवाइज्ड टू कॉन्स्टेंटली फॉलो अप विद द डिफॉल्टर्स फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यू अमाउंट. मतलब जो लोग लोन वापस नहीं कर रहे उनके साथ ब्रांच मैनेजर को कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना चाहिए, मतलब बार बार उनको फोन वोन करना चाहिए. एंड अप्रोच द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑन टाइमली बेसिस. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक ऑफिस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लोग अगर आप बैंक को अगर लोन नहीं मिलता है कस्टमर से तो बैंक यहाँ पे अप्रोच कर सकता है. सही बात है, ब्रांच मैनेजर को फॉलो अप करना चाहिए और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच करना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो. सही बात है, ये भी सही है, ये ऑप्शन वन नहीं होगा. टू एंड थ्री बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस प्रियक्षी एंड अभिषेक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, ये इजी था क्वेश्चन, जस्ट आपको मीनिंग समझना था. ठीक है, देखो एग्जाम में क्या होगा ना,
ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी लेंथ का आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, पीओ में, पीओ का मेंस में, क्लरिकल मेंस में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट पीओ का मेंस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को बोला, बहुत लोगों ने फॉलो किया नहीं किया, मैक्सिमम लोगों ने, लोग ये चीज फॉलो ही नहीं करते कि दे डोंट रीड क्रिटिकल रीजनिंग, बट ये पढ़ना चाहिए। मैं तो बार बार बोलूंगा यही पढ़ना चाहिए। ऐसे ही बेकार में 10-15 मिनट पजल सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, बड़ा वाला पजल वो होगा भी नहीं सॉल्व, और हो जाने से भी आपको सिर्फ 5 मार्क्स ही मिलेगा। उसके जगह में ये सब करना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, एंड इफ यू कैन स्पॉट कि आप कहाँ पे जा रहे हो, तो मीनिंग अगर समझ में आता है आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन कीजिए, देन वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल वाइंड अप। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, इसका भी थोड़ा सा वो मतलब डिफिकल्ट है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट समझा देता हूँ, देख लो। एक्सपोर्टर्स इन द कैपिटल, एक्सपोर्टर्स मतलब जो लोग अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो लोग अपना सामान दूसरे कंट्री में भेजते हैं उसका बात हो रहा है। एक्सपोर्टर्स इन द कैपिटल आर एलिगिंग, एलिगिंग मतलब वो ऐसा इंजाम दे रहे हैं, दे आर कंप्लेनिंग दैट कमर्शियल बैंक, जो बैंक है, आर वायलेटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। वो लोग क्या कर रहे हैं, एक आरबीआई के जो आरबीआई का जो रूल है उसको वायलेट कर रहे हैं, टू ऑपरेट ए पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट का मीनिंग आपको अभी समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब जब हम कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, तो उसका जो पैसा आता है वो शिपमेंट हो जाने के बाद में आता है, ठीक है। जब व्हेनेवर सपोज आप आज ये सपोज ये जो पेन है, ऐसा आप 1000-2000 पेन आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा आएगा ना वो बाद में आएगा, शिपमेंट हो जाने के बाद में पैसा आएगा, ठीक है। तो आरबीआई का एक डायरेक्टिव है, टू ऑपरेट ए पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा, एट इंटरनेशनल रेट्स फ्रॉम जनवरी दिस ईयर। तो मेन बात इतना समझने का जरूरत नहीं है, मेन बात यह है कि एक्सपोर्टर्स ऐसा बोल रहे हैं कि बैंक जो है वो आरबीआई का एक डायरेक्टिव, एक एक रूल को वायलेट कर रहे, ठीक है। एक आरबीआई ने कोई रूल दिया होगा उसको वायलेट कर रहे, ठीक है, ये बात है। क्या कर सकते हैं, ऑफिसर्स कंसर्न इन द कमर्शियल बैंक्स आर टू बी सस्पेंडेड। मैंने बोला कभी भी सस्पेंशन में नहीं जाना है, हमेशा दूसरा सॉल्यूशन होता है। सेकंड बोल रहे हैं, आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, आरबीआई को ऐसा डायरेक्टिव नहीं देना चाहिए, ये एक्चुअली आरबीआई का ही गलती है। मतलब आरबीआई ऐसा रूल बना रहा है जिससे शिपमेंट रुक जाएगा, तो बैंक को तो अपना बिजनेस के लिए अलाउ करना ही पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, देखो बैंक को अपना बिजनेस के लिए ये सब चीज अलाउ करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बैंक कुछ गुला कोई फॉल्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आरबीआई ने ऐसा डायरेक्टिव दिया वो गलत है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर है बैंक के ऊपर, बट बैंक को अपना बिजनेस चलाने के लिए ये चीज करना ही पड़ेगा, दे हैव टू अलाउ, ठीक है। सो आरबीआई को पूछ पूछ सकते हैं कि ऐसा आप कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्ट मत कीजिए। इसका आंसर होगा ओनली, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, नो प्रॉब्लम, आप लोगों से नहीं हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये सच में डिफिकल्ट है, इसका लैंग्वेज समझना ही डिफिकल्ट। आप लोग ये वाला क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेट्स सी इसका आंसर करो, लेट्स सी यू कैन आंसर।
पुलिस डिपार्टमेंट हैज कम अंडर ए क्लाउड। कम अंडर ए क्लाउड मतलब पुलिस डिपार्टमेंट मतलब माने तहतर কিবা হেরি হৈ আছে মানে দে আর বিকামিং ইনফেমাস মতলব উনকা থোড়া বুড়া দিন চল রহা হ্যায় ঠিক হ্যায় উনকো শর্মিন্দা ফিল হো রহা হ্যায় ও হ্যায় কাম কাম আন্ডার এ ক্লাউড কা মিনিং বতাইয়ে ইসকা আনসার। सोच के आंसर देना, टेक योर टाइम। ऑप्शन है ओके। एक्चुअली ये जो पैटर्न है ना, ये कैट एमबीए वाला एग्जाम्स का पैटर्न होता है। सो आजकल बैंकिंग एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी ये डाल दिया है, लेकिन एक्चुअली ये कैट का पैटर्न है। तो इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब मुझे तो सच में बहुत पसंद है ये ऑल दिस थिंग्स। एनी अदर आंसर इसका? एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर? क्या बोला है, द पुलिस डिपार्टमेंट हैज कम अंडर ए क्लाउड, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहा है। क्यों? विद रिसेंट रिविलेशंस ऐसा बात उठाए कि एटलीस्ट टू सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, दो पुलिस ऑफिसर आर सस्पेक्टेड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द इलीगल सेल ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स फ्रॉम द स्टेट पुलिस आर्मरी। मतलब पुलिस ने क्या किया कि दो पुलिस ऑफिसर ने स्टेट का जो पुलिस जो आर्मरी है जहां पे आर्म्स रहता है वहां से वेपन चोरी करके बाहर बेचा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? पहले बोल रहा है कि थोरो इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इनटू द इलीगल सेल ऑफ आर्म्स। वेरी करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फिर निकल सकेगा ना कि कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें। सेकेंड थिंग बोल रहा है कि स्टेट पुलिस आर्मरी शुड बी केप्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। ये कैसे कर सकते हो आप? स्टेट पुलिस आर्मरी को अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटा दोगे तो पूरा स्टेट बुरा मान जाएगा ना। ये थोड़ी कोई सोल्यूशन है सेकंड वाला। सेकंड वाला आप वो सिर्फ दो पुलिस ऑफिसर ने अगर गलती किया उसके वजह से आप क्या स्टेट से कंट्रोल थोड़ी निकाल लोगे? ये तो मोनोपोली हो गया ना, ये तो मोनोपोली हो गया, ये एब्सोल्युटली मोनोपोली है। आप कैसे स्टेट से कंट्रोल हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। स्टेट से कंट्रोल हटाओगे तो आपका जो पूरा स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री है, पूरा स्टेट है, वो पूरा स्टेट खराब पा जाएगा। ऐसे थोड़ी दो लोगों की वजह से आप स्टेट से थोड़ी कंट्रोल हटा सकते। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन वन होगा प्रियाक्षी, वेरी नाइस ऑप्शन। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को 70-80% क्लियर हो गया ये। आई कैन गेस गेट विद द आंसर, जो आप लोग आंसर दे रहे आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, सो आज हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन इतना ही किया, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम एजम्पशन करेंगे, या फिर आई थिंक एजम्पशन और क्या है, इन्फरेंस वगैरह है, एजम्पशन है, और आपका एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मीनिंग ये सब करेंगे, कुछ और करेंगे। ठीक है, thank you everyone, I hope you like the class, thank you, bye bye, good night, good night sir।